नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। बीते कल रविवार को स्थानीय ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण महासभा अनूपगढ़वा परशुराम लोक सेवा कल्याण मंच की सामूहिक बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता ब्राह्मण महासभा अनूपगढ़ के अध्यक्ष रतन लाल सारस्वत ने की। मंच के अध्यक्ष प्रमोद पाविक ने मंच के बारे में विस्तृत जानकारी दी व अतिथियों का स्वागत तथा उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान अनूपगढ़ में राजकीय सेवा में कार्यरत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बुलाकी दास व्यास, राजस्थान रोडवेज गंगानगर के मुख्य प्रबंधक राकेश राय, ICICI बैंक के प्रबंधक नरेश कुमार शर्मा व व्याख्या कविता रमेश सारस्वत का समाज की ओर से माल्यार्पण कर व शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष रतनलाल सारस्वत ने सभी अतिथियों को स्वागत करते हुए कहा कि ब्राह्मण महासभा समाज के प्रत्येक सदस्य की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको भी यहाँ परिवार जैसा माहौल मिलेगा। इस दौरान अवंतक अतिथियों ने समाज बंधु को संबोधित करते हुए विचार रखे व समाज का आभार प्रकट किया। इस स्वागत आयोजन में मंच के पद अधिकारी भूरा प्रसाद शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा व ब्राह्मण महासभा के पद अधिकारी रमेश सारस्वत एडवोकेट व एडवोकेट राकेश सारस्वत ने विचार रखते हुए समाज की इस अनूठी परंपरा का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकजुटता का आभास होता है। मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक मुकेश शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में बंशीलाल सारस्वत, दिनेश शर्मा, राजेंद्र जोशी एडवोकेट, विकास जी सारस्वत एडवोकेट, परमानंद गौड़, सीताराम सारस्वत, चंद्र ओझा, नरेंद्र भोजक एडवोकेट, गौरव भारद्वाज, मालाराम शर्मा, जेठाराम सारस्वत, प्राचार्य सुधा शर्मा, हेमंत राजपुरोहित, विक्रम ओझा, अभिषेक शर्मा, बनवारी पारेख, कुलदीप गौड़, वरिष्ठ अध्यापक ब्रह्मदेव पारेख, विनोद शर्मा, चुन्नीलाल तावनिया, सीताराम पारेख, धर्मचंद शर्मा सहित समाज के अन्य सदस्य मौजूद थे।